देश की सबसे बड़ी पंचायत के अपर हाउस राज्यसभा में उठाने वाले श्री सुशील गुप्ता जी, जननायक जनता पार्टी के स्टेट के प्रथम प्रेसिडेंट, किसान की बुलंद आवाज सरदार निशान सिंह जी, हमारी जननायक जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, इस संघर्ष में दुष्यंत जी का मजबूती से साथ देने वाले डॉक्टर कृष्णचंद बांगड़ जी, दिल्ली से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, राजकुमार पहल जी जिला के प्रधान आम आदमी पार्टी, और आदरणीय श्री कृष्ण राठी जी, दादरी से विधायक फोगाट साहब, केडी भाई, समस्त परिवार मेरे समक्ष में मौजूद, जींद के कोने कोने से आए मेरे परम सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनें, देश का भविष्य नौजवान युवा साथियों, आज जिस संख्या में चुनाव प्रचार खत्म होने से एन ठीक पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित इस व्यापारी सम्मेलन में, इस जींद के सम्मेलन में, इस जींद के भविष्य के लिए जो सम्मेलन हो रहा है, आपने उसमें अपनी भारी मौजूदगी दर्ज कराकर, जो आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का, एक नौजवान का हौसला दुगुना करने का काम किया है, वही जो ये जोड़ी है कि नहीं भाई? सारे ढीले ढीले ना बोलो, मीडिया वाले भी मौजूद हैं, जोड़ी है कि नहीं है? साफ सुथरी जोड़ी है और सबके मन को बहाने वाली जोड़ी है। इस जोड़ी को जो आज आपकी मौजूदगी ने जींद की इस माटी पर, पांडू पंडारा की इस धरती पर, चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि पर जो ताकत दी है, मैं मेरी तरफ से और समस्त जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं। और मुझ जैसे नौजवान पर जो आपने विश्वास किया है, आज विश्वास का ही प्रतीक है कि आप इस संख्या में यहां पधारे हैं। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मुझे खुशी होती है कि एक भीड़ इस बात का प्रतीक है कि जींद हल्के के लोगों के मन में आज भी चौधरी देवीलाल जी के प्रति वही सम्मान है, वही श्रद्धा है। आज आपकी ये भीड़ उस बात की गवाह है। मैं आपको जहां नमन करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, वहीं मैं आज इन नेताओं की मौजूदगी में, सीएम साहब की मौजूदगी में, दुष्यंत जी की मौजूदगी में, जननायक जनता पार्टी की मौजूदगी में और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जींद की 36 बिरादरी की जो पगड़ी, जो विश्वास रूपी आज हमने केजरीवाल जी और दुष्यंत जी को दी है, हम जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी जींद की पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे, इस पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपको विश्वास और भरोसा देना, मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब लोग, वैसे तो मैंने शहर के अंदर डोर टू डोर कर, दुकान दर दुकान, घर घर जाकर वोट की अपील आप लोगों के बीच में आकर की है, गांव गांव जाकर आप लोगों से ये प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मांगा है। आज तो हम आदरणीय केजरीवाल साहब को और दुष्यंत जी को सुनने आए हैं, मगर क्योंकि मैं कैंडिडेट हूं और ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मैं आपसे आपका साथ मांगू, और जब मुझे अवसर मिला है तो जरूर मैं आपकी बातों, आपके ध्यान को वहां केंद्रित करूं। साथियों, आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले ये ट्रायंगुलर फाइट थी, यानी ये त्रिकोणीय मुकाबला था और खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, इसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और बीजेपी वालों ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, और जननायक जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ रहा था।